हमारे जो चक्र ब्लॉक होते हैं ना, ये मोस्टली हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण होते हैं। पुराने कर्मों के ढेर इतने होते हैं हमारे, जिसके कारण चक्र बंद हो जाते हैं, एनर्जी की ब्लॉकेज आ जाती है। कुछ पुराने कर्म और कुछ नई जो गलत तरह की सोच कोई भी हमने मन में डाल दी, हमारे पूरे ऑरा को ब्लॉक करके रख देते हैं ये। और फिर हम उन्हीं दुखों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी तो ऐसी ही सोच है। नहीं, ये आपकी सोच नहीं है, आप कुछ और ही हो, एक शुद्ध परम परम दिव्य चेतनता हो। लेकिन वो पता नहीं लगती, वो ऐसा लगता है जैसे उस पर पर्दा सा डल गया है। मैं तो दुखी, मैं परेशान, मेरे मेरा जीवन ऐसा, मेरे बैड लक्स, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, बच्चे ऐसे, ये किस्मत में खराबी, वो खराबी, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम सिर्फ उन बातों को देखते हैं जो अभी घटना घट रही है, और उसके कारण हमारा ये ऑरा बिगड़ता चला जाता है। आभा मंडल में सिर्फ नेगेटिव बातें दिखती हैं, जबकि हम वो शुद्ध आत्मा हैं। इतनी परम पवित्रता है भीतर कि सच में हम अपनी आत्मा का वो वाला डिवाइन फॉर्म सामने देख लेना तो हम अपने पैरों में गिर पड़ेंगे। भाई कमाल है, मैं इतना सुंदर हो सकता हूँ क्या? होना तो चाहिए। और कहीं ना कहीं तड़प भी इसी चीज की है हमारे भीतर, है या नहीं है बोलो, कि हम वो शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके। इसीलिए जो चीजें वो शुद्ध है ना, उस लेवल पर है, वो हमें अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करती है क्योंकि हम वो होना चाहते हैं, हम वो होना चाहते हैं। व्हाइट चीज, ब्राइट चीज, एक छोटे से उदाहरण से, मतलब एक छोटे बच्चे को बिल्कुल, मतलब नवजात, बिल्कुल अभी जैसे मान लो कुछ दिनों का है एक बच्चा, फ्यू डेज, उस बच्चे के सामने एक व्हाइट और एक ब्लैक कलर की डॉल रखी गई, क्या चुना होगा उसने? ऐसे दोनों चीजों को सामने लाया गया, दो डॉल्स, एक व्हाइट की और एक ब्लैक कलर की, किसको चुना होगा बताओ? सर व्हाइट ही अट्रैक्ट कर रही है मुझे, व्हाइट बाकी सबका क्या कहना है? व्हाइट व्हाइट डॉल ये बाय डिफॉल्ट आंसर कहां से आया? आपने तो देखा नहीं, मैंने आपको पूरी बात बताई भी नहीं, कहां से आंसर आया ये? पर ऐसा लग रहा है कि व्हाइट ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ। नहीं क्यों, मैं वही मैं पूछ रहा हूँ, बात समझ में तो आ रही प्योर है? है इसलिए हाँ, व्हाइट मन में कलर ऐसा प्योरिटी अच्छा होगा, काला मतलब खराब होगा। वजह अंधेरा किसी को पसंद नहीं है, लाइट सबको पसंद है। ब्लैक तो डरावना है ना सर। हम यही प्रार्थना करते हैं ना परमात्मा से, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये प्रार्थना कहाँ से आती है? ये कहीं हमारी आत्मा का हिस्सा है, कोई और कहे या ना कहे, हम सब चाहते हैं कि हमारी आत्मा तमस से प्रकाश की ओर, ज्योति की तरफ जाए। वही चीज ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है, माफ करना इसको पॉजिटिवली समझना, गोरा रंग प्रोबेबली इसीलिए अट्रैक्ट करता है। व्हाइट कलर की चीजें, व्हाइट कलर के कपड़े, इंजन, मतलब बात सिर्फ यह है कि कोई भी चीज जो आपको उस आपके उस जो जिसको हम खोज रहे हैं उससे मैच करेगी ना आपकी जिंदगी में, जो चीज, जो लोग, जो व्यक्ति, जो वाणी, जो बातें, वो आपको अट्रैक्ट करेंगी, वो आपके अंदर तक झकझोर जाएंगी। ये कहीं ना कहीं बात मैच कर रही है मेरी उससे, इसका मतलब वो कहाँ से, किसने डाला आपके मन में? वो हमारी आत्मा का स्वभाव है। कभी हम वैसे थे, कभी हमने वो सब आनंद पाया, लेकिन कहीं ना कहीं भूल गए हैं। एक भूली बिसरी सी कहानी अंदर चलती रहती है, बहुत डीप इनसाइड वो चलती रहती है, वो पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, एक पर्दा सा डाल दिया जाता है उसके ऊपर, उसी को माया बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। वो पता नहीं चलने देते कि हुआ क्या है। हमें लगता है कि जो जो अभी हो रहा है बस यही छोटी मोटी समस्या है, बस यही मैं हूं, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, बस ऐसे मान के बैठ गए, जबकि ये कुछ भी नहीं है। तो शुद्ध चेतन आत्मा, अपरम आनंद, जिसका स्वभाव है
वो दुखी कैसे हो सकता है? कभी अपने ऊपर इस तरह से क्वेश्चन नहीं होता, मैं और दुखी हो सकता हूं क्या? लेकिन हो तो सही है ना, लगता है ना ऐसा, कहीं ना कहीं अपनी आत्मा जानती है कि मुझे दुखी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हूं, सच्चाई है कि हूं। तो फिर क्या गलती है? कुछ ऐसा ही जैसे एक भ्रम डाल दिया गया है, भ्रम डाल दिया गया, माया का एक पर्दा सा डाल दिया गया जो भुला रखा है। मेडिटेशन जो है आपको वो पर्दा हटाकर भीतर जाने का रास्ता है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध स्वरूप में देख पाए। अगर दिख जाए फिर जो आनंद आता है उसको देखकर फिर अहम ब्रह्मास्मि अपने आप निकलता है, वाह यही हूं मैं, यही हूं मैं। काश ऐसा हम जान सकें। जो भी ये साधन है, अब क्रिस्टल भी उसी बीमारियों का इलाज करने में और उसी आत्म शुद्ध चेतना तक पहुंचने के कुछ साधन है, अवेकन करने के कुछ तरीके हैं, और ये चक्र हैं, ये उसी चेतना के डिफरेंट आयाम है, डायमेंशन है। रूट चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित जड़ है, बिल्कुल जड़, शव जिसे कहते हैं, रूट मतलब शव, और क्राउन मतलब शिव, आखिरी चेतना का हाईएस्ट पोटेंशियल वाला चक्र, सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, हमने उस दिन किया था ना, ये दो चक्र मैंने आपको बताए थे, राइट। उसमें जो ये दो चक्र हैं, ये दो चक्र, दूसरा जो चक्र है सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र चेतना का दूसरा डायमेंशन है, जहां पर हम एक सेकेंड, जहां पर हम ये जानते हैं कि हम केवल एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब रूट चक्र कहता है आई एम, मैं हूं, रूट, सैक्रल कहता है आई कैन क्रिएट, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं केवल हूं ही नहीं बल्कि मैं बना सकता हूं। ये आत्मा का होना एक बात है, लेकिन ये आत्मा दम्भ नहीं है, मतलब निष्क्रिय नहीं है बिल्कुल भी, कि ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकती, सब कर सकती है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है, हर विचार जो आपके दिमाग से उठता है ना वो उसकी क्रिएटिविटी है, हर, अगर आप उस क्रिएटिविटी को एक दिशा दे देते हैं तो वो आपके जीवन का, आपके जीवन का टैलेंट बन जाती है। हो सकता है सभी के अंदर कभी गाने की क्षमता मौजूद रही हो, कभी कभी लिखने की क्षमता मौजूद रही हो, या अन्य कई तरह की एक्टिंग की क्षमता हो सकती है, डांस हो सकता है, सब हो सकता है, बचपन में आपने देखा हो। मैं याद दिला रहा हूं किसी को, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बातों से किसी को पता लग रहा है मैं क्या याद दिला रहा हूं आपको? ये क्षमताएं आपने दबा रखी हैं, कार्नेलियन स्टोन जो है इस क्षमताओं को बाहर लाने का एक साधन है। ये स्टोन जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये स्टोन हमें उस अवस्था से हमारे अंदर वो चीज जागृत कर दे। है तो पत्थर, परमात्मा है बड़ा दयालु, पत्थरों के अंदर भी उसने ऐसी ताकत डाल दी कि चलो एक सिंपल सा कार्नेलियन अगर आपके जीवन में चेंज ला सकता है, क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, वाई नॉट, वाई नॉट, जरूर काम करना, बच्चों के ऊपर भी अपने ऊपर भी, जानना कि ये बड़ी चीज है ये बात सिर्फ। अदरवाइज अगर ये कार्नेलियन सही ढंग से अगर ये डिवेलप हुआ हमारा सैक्रल चक्र, तो हमारे जीवन में जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव ले आता है। क्षमा, माफी चाहता हूं। राइट, अगर नहीं, अगर इस पर काम नहीं किया गया तो ये आपको बहुत भटकाता है, फिर बहुत भटकाता है। सारा बॉलीवुड, सारे बच्चे, सारी दुनिया, माफ करना, इसी चीज के आसपास घूमे जा रही है। जीवन में कोई लड़का, बच्चों से बात होती रहती है, हमारी जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं कहते हैं कि 90% ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में ऑपोजिट जेंडर की बातें चलती रहती है, 90%। पढ़ाई कहाँ गई बेचारी, पढ़ाई किस गिनती में आती है, किस चिड़िया का नाम है पढ़ाई, पता ही नहीं। 90% ऑफ द टाइम देयर माइंड इज फिल्ड विद ऑल दिस नॉनसेंस। इसको लाने में ये छोटा सा जो स्टोन है ना बड़ा हेल्पफुल है, बड़े कमाल का है। करना इसकी हेल्प भी, ये समझ के चलना कि आपके पास एक और टूल मिल गया है चीजों को सुधारने का,
पर इसके साथ साथ ये नॉलेज आपको बड़ी काम आने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा जेनिटल संबंधित कोई भी इश्यूज, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी समस्याओं के समाधान के लिए, यूरिन रिलेटेड इश्यूज हैं और लेडीज इश्यूज होते हैं, जेंट्स इश्यूज होते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए। इसके अलावा ब्लेम, गिल्ट, मनी, पावर, क्रिएटिविटी, मोरालिटी, इन सबको ठीक करने में स्वादिष्टान चक्र कार्नेलियन स्टोन। इसमें रूट भी उतना ही सही होगी है, मैंने बताया रूट और सैक्रल दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं, दोनों की बातें सारी मैच करती हैं, मतलब उनका अपना अपना फंक्शन है लेकिन फिर भी दोनों की बातें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। तो लोगों को वो काम करने को कहें जिसका मन में जुनून हो, अगर जैसे बच्चा कोई नशे में पड़ा हुआ है, ठीक है, नशा कैसे छुड़वाए किसी का, उसका तरीका यह है कि पहले कम से कम उसके जुनून को एक दिशा दो, उसको बोलो कि तुम्हें क्या चीज ऐसी है जो पसंद है। एक व्यक्ति का मैं बताता हूँ उदाहरण से, हमारे पास एक शराबी, मतलब शराबी बंदा आया और उसने कहा जी, उसके घर वालों ने, उसकी वाइफ ने हमें बताया कि शराब बहुत पीता है, रोज का काम है इसका, और हमारे पास जब भेजा तो उसने पहले आते बोला जी मैं आ तो गया हूँ अपनी वाइफ के कहने से यहाँ पर, लेकिन मेरे से शराब छोड़ने के बारे में बात मत करना, ये मैं पहले बोल देता हूँ, अगर बात करी तो फिर देख लेना, राइट, मैं आपका अपमान करने से भी चुकूंगा नहीं। उसने मुझे आके बोला, उस व्यक्ति ने, किसी आगरा से आया था हमारे पास दिल्ली। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे से इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वो हमारा प्रॉमिस है, लेकिन कुछ बातें तो आपसे समझेंगे जानेंगे। अगर तुम शराब ना पीते होते, शराब के अलावा तुम्हें और क्या चीज है जो अच्छी लगती है? उसने कहा कि जब लोग मेरी तारीफ करते हैं ना किसी भी बात के लिए, मैं बहुत अच्छा लगता है, किसी भी बात के लिए अगर मेरी तारीफ होती है समा। उस बंदे को खिलाने पिलाने का भी शौक था कि मैं लोगों को मतलब खुद भी खाता है, खाता पीता है, दूसरों को भी खिलाता है, इस बात का बड़ा शौक है, लोग बड़ी तारीफ करते थे इस बात की वजह से। तो ऐसे एक शराबी इंसान जो खूब शराब पी रहा है लेकिन उसकी जिंदगी में भी कुछ तो है। फिर उसने कहा अच्छा, मैंने पूछा कि और कुछ, एनीथिंग एल्स? उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को टाइम दे पाता, छोटी बच्ची है कोई 5-6 साल के, कहता कि मैं आता हूँ तो नशे में धुत होता हूँ, तब तक वो बेचारी सो रही होती है, पढ़ रही होती है, उसके प्रति मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं टाइम दूँ, से बात करूँ, लेकिन मेरी हालत ही नहीं होती ऐसी, और सुबह जब तक मैं उठता हूँ तब तक वो स्कूल जा चुकी होती है, फिर ऐसे बात हो नहीं पाती कभी। तो अब हमने क्या किया, हमने उसकी जिंदगी में एक और पैशन पकड़ लिया कि कुछ तो इसको है जो शराब की जगह ले सकता है, वो क्या है? इसकी तारीफ। इसकी तारीफ किस बात के लिए? दूसरों को खूब खिलाता पिलाता, खूब सेवा करता, एक टाइप से उसके मन में ये रहता है कि लोग खुश रहे मेरे से। हमने कहा इसी का यूटिलाइज करेंगे, तो हमने उसको सजेशन दिए कुछ, उसको हिप्नोटाइज किया, माइंड प्रोग्रामिंग करी, कुछ सजेशन दिए। इसके अलावा एक और सीक्रेट प्रोग्रामिंग का तरीका होता है, अगर आपने हिप्नोसिस हमसे सीखा तो हमने उसमें बताया हुआ है वो क्या चीज होती है, अब यहाँ नहीं कहा जा सकता उस चीज को। खैर, हमने उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दी कि गलती से भी अगर वो शराब आगे से पिएगा, लेकिन सीक्रेटली उसके दिमाग में, उसको भी पता कि इसके दिमाग में प्रोग्रामिंग की जा चुकी है, अगर शराब पिएगा तो वो 10-15 मिनट के बाद उसको उल्टी चालू हो जाएगी, वॉमिटिंग चालू हो जाएगी, ऐसे करके प्रोग्रामिंग की जा सकती है, हमने की। और साथ में ये भी कहा कि तुम अपने पैशन को अब टाइम देते हो, तुम लोगों की खूब सेवा करते हो, जिस लोग तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं, ये सब बातें जुड़ी हुई होती हैं आपस में, तो मन को एक दिशा दे दी। कुछ टाइम के बाद, लगभग 3-4 हफ्ते के बाद उसकी शराब छूट गई, धीरे धीरे छूट गई। तो ये ध्यान रखें, उसके हर बच्चे के अंदर, जो बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, जो सिगरेट पीता है या दूसरे जेंडर के प्रति पागलों में फिरता है या फिर कोई भी ऐसे काम करता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, आप देखे होंगे बहुत जिद्दी बच्चे होते हैं कई बार, जब ऐसी कंडीशन लेके ना, ये जानना सब खेल सैकल चक्र पर चल रहा है, ये सब खेल सैकल चक्र पर चल रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें? उसके जीवन को कोई जुनून पकड़ा दें, कोई दूसरा जुनून पकड़ा दें कि बचपन में क्या करने का शौक था तुम्हारे को, ये बताओ, कोई क्रिएटिव, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई डांस, कोई सोशल सर्विस, सबकी जरूरत है। बात समझ में आ रही है?
तो अच्छे से आपको पूरी पूरी स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें और सही ढंग से दिशा दे सकें, राइट। तो कार्नेलियन क्या करता है, हील करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, करियर के लिए ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उत्साह बढ़ाता है, और जीवन में आपको सेंसिटिव बनाता है चीजों के प्रति, जो कि आमतौर पे लोग डिफरेंट तरीके से होते हैं। और ये आप उसमें अफर्मेशन डालते हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, भीतर वो भरपूर शांति है, आप क्रिएटिव हैं, और किस टाइप के क्रिएटिव हैं आप ये स्पेसिफिकली डाल सकते हैं, जैसे डांस के प्रति आपके मन में बहुत रुचि है या ऐसा कुछ, और इसके प्रति मन में कोई गिल्ट फीलिंग ना लेकर आए, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से बिगड़ जाते हैं गिल्ट फीलिंग के कारण, बहुत बिगड़ जाते हैं, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे मन में उसके प्रति बुरा विचार आ गया, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं, मन को गिल्ट के कारण बार बार सोचने पर मजबूर मत करें और उसे बाहर लाने का प्रयास करें, इस सब चीजों से बाहर लाया जा सकता है, राइट। इसी तरह से नशीले पदार्थों से दूर रहता हूं, पवित्र हूं, सहज हूं, कंफर्टेबल हूं, और इसके बारे में सारी नेगेटिविटी मेरे मन से समाप्त हो गई। फिर मणिपुर चक्र पर आए, मणिपुर चक्र ने क्या किया, ये चक्र है पद यश धन का, पद यश धन, जो व्यक्ति यहाँ पर होता है उसके जीवन में लाफ्टर होती है, हंसी होती है, आत्म नियंत्रण होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्म सम्मान होता है, आत्म सम्मान होता है, मतलब आत्म सम्मान का तो जिस व्यक्ति के जीवन में ये नहीं होगा, उसके जीवन में आत्म सम्मान नहीं होगा, अपने प्रति सम्मान नहीं होगा, और इस चक्र के ना आप सबको सभी को बहुत जरूरत है, है समझ में आ रही है मेरी बात क्यों कह रहा हूं मैं, राइट। आत्म सम्मान डेवलप करना, मेंटल क्लैरिटी होना, डिसीजन मेकिंग पावर होना, इसी से संबंधित है सब, समझ आ रहा है। अधिकतर लोगों में ये चीज मिसिंग होती है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, आत्म वो डिसीजन लेने में, जैसा मैंने कहा ना बचपन से ही दूसरे पे डिपेंड रहने की आदत सिखाई जाती है, तो फिर आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आती है, इसलिए आती है। आपको लगता है डिसीजन लेने में दिक्कत होती है? मुझे होती थी डेफिनेटली, मैंने वो टाइम देखा हुआ है जब बहुत मुश्किल होती थी, जगह जगह जा जाकर लोगों से पूछते थे, अच्छा ये काम कर लूं ठीक है, फिर 5-6 लोगों के ओपिनियन मिला के जो सब कहते उनकी बात को मान के फिर आगे बढ़ते। नहीं, हर जगह आप दूसरों की नहीं सुन सकते, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो आपको अपने दिल से सुननी होती है, क्योंकि हर बंदे के विचार आपसे मैच करें जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति आपका कल्याण मित्र हो ये भी जरूरी नहीं। लोग बहुत आपको बात आपको इल्यूजन में डाल देते हैं, और अनेक बार ऐसा हुआ लोगों ने झूठ और अलग अलग कारणों से परेशान बहुत कुछ किया, लेकिन समझ नहीं थी तब, सच बताएं नहीं समझती। आपने भी देखी है ये वाली बात, मेरी बात समझ में आ रही है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, राइट। पहले ज्यादा होती थी, पहले ज्यादा होती थी, अब बेटर होता है। दूसरी अपने प्रति सम्मान का भाव, खुद के प्रति सम्मान का भाव, अपनी बात के लिए स्टैंड करना, मैंने कहा ना तो कहा तो फिर कहा, अब उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, यहां लटक जाओ कि वहां लटक जाओ, अब नहीं छोड़ूंगा, अब जो कह दिया तो फिर कह दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कह दिया तो फिर कह दिया, डिसीजन ले लिया तो फिर ले लिया, अब नहीं मुड़ना है, ये क्वालिटी अपने अंदर याद कर, देखो चेक करके देखो, समझ आ रही है। ये ऐसे नहीं आती, मणिपुर चक्र डेवलप हुए बगैर आप स्टैंड नहीं कर सकते, विल पावर नहीं होती, मिनट मिनट में अपना मन बात बदल लेता है, अपने किए हुए डिसीजन को 2-4 दिन के अंदर डिफाई कर देता है, अच्छा मैंने कहा था क्या, ओहो
खुद भी नहीं पता लगता उनको कि उन्हें कब प्रॉमिस कर दिया और कब वो प्रॉमिस तोड़ दिया, उनको ये भी नहीं पता चलता। अनेक लोग आपको मिलेंगे आपस में, मिनट मिनट में प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, फलाना प्रॉमिस, कुछ भी बोल देंगे, माँ कसम, ये कसम, वो कसम, कुछ भी। इससे क्या होता है, बात कहीं ना कहीं कमी है मणिपुर चक्र में, समझ आ रहा है, भेद समझो इसको, बड़ी कमाल की चीज है ये, राइट। तो ऐसे ही नहीं ये उस पर काम कर रहा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसके अंदर क्या है स्पिरिचुअल लेसन, क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्लेस इन द लाइफ स्ट्रीम, कि मैं अपने आप को सम्मान दे सकूं, अपने आप को स्वीकार कर सकूं, मणिपुर चक्र वो है, राइट। यहां से अपनी पहचान चालू होती है, इसीलिए ओम मणि पद्मे हुम जैसे महामंत्र बने। क्या करते हैं ये मंत्र, मेरे भीतर की जो मणि है, मेरे भीतर जो मणि है, ये मणि है, वास्तव में मणि जैसी है ये जो मणिपुर चक्र है, ये कहने के लिए बात है, बड़ी अंदर गहरी चीज है। इसके अंदर 10 पंखुड़ियां हैं, ये कमल जब खिलता है 10 पंखुड़ी वाला कमल होता है, और गोल्डन येलो कलर होता है इसका। गोल्डन येलो कलर का कमल जब अंदर खिलता है तो ऐसे घूमने लगता है, इसकी पंखुड़ियां इतनी चमकदार होती हैं, आपके जीवन के 10 आयाम बदल देती हैं, ये इतनी पावरफुल होती है। 10 पंखुड़ियों वाला कमल का मतलब ये होता है, तो यानी आपके अंदर ये सारी बातें जगा देंगी। अगर आपके अंदर ये चक्र एक्टिव होगा तो आपके अंदर ह्यूमर भी होगा, लेकिन ह्यूमर मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे को दुखी करने वाला ह्यूमर, किसी के ऊपर ब्लेम करके, किसी के ऊपर वैसे, किसी के ऊपर हंसना नहीं, लेकिन जीवन में फिर भी हंसी होगी, आनंद होगा, खुशी होगी, और आप खुशी बांट पाएंगे, सेल्फ कंट्रोल होगा, क्यूरोसिटी होगी, सेल्फ एस्टीम होगी, बहुत उत्तम है। हो सके तो डेवलप करना, इस पर काम करना, सबका डेवलप नहीं है, मेरी बातें समझ लेना। अगर मैं किसी चक्र पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ मुझे कमी दिख रही है, बस मैं वो पर्दे में रहने वाली बात है कि बस वो अंदर की बात अंदर रह जाए, ज्यादा अच्छा है। तो इसके कारण क्या होता है, ये सारी डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिया, फिजिकल प्रॉब्लम, ब्लड शुगर, नर्वसनेस, स्टिमुलेंट्स, पैरासाइट, पेट में कीड़े होना, टॉक्सिसिटी, पेट में जहर बनता है, इस टाइप की जॉन्डिस, पुअर मेमोरी, मेमोरी की कमी पेट के कारण ही होती है, राइट। और इसी तरह से आत्म सम्मान कमजोर होना, अपने अपमान होने का डर लगना, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये बड़ा खतरनाक होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, पता नहीं मैं उसको कैसा लगेगा, मैं उसको ऐसे बोलूंगा तो, मैं पैसे नहीं मांगता, मैं क्यों मांगू, बड़ा बुरा लगेगा उसको, डोंट डू दैट। कई जगह पर आपको ऐसे लोग, फिर जिसका ये कमजोर है वो पैसा नहीं कमा पाते, अपनी सैलरी के लिए स्ट्रगल नहीं कर पाते, अपनी बात कह नहीं पाते, पता नहीं उसको बुरा लग जाएगा, अरे बुरा लगे ऐसे की तैसी, तुम्हें अपनी बात तो कहनी, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होगा तो ऐसी होगा। मैंने वो स्थिति देखी हुई है, मतलब एक बार एक कंपनी से नेगोशिएट करते हुए, सैलरी जैसे अपने कंपनी चेंज करी तो सैलरी दे दो, कुछ उन्होंने जो उन्होंने कहा मान लिया, हाँ ठीक है जो आपने कह दिया, बाद में मन के यार अपनी कैपेबिलिटी तो बहुत थी, इतनी सैलरी में संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए था, बाद में मन कुड़कुड़ कर रहा था, लेकिन उस वक्त उनके सामने बहस करने का वो आता नहीं, यार क्या बहस करनी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, डोंट एक्सेप्ट थिंग्स। अब मैं अपने आप को समझा चुका हूँ, बहुत पुरानी बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन झेला हुआ ये वाला पॉइंट भी, कोई क्या समझेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा लगता था जैसा लोग मेरे बारे में ही बात सोच रहे हैं। Who the why the hell people are should think about you? Who the hell are you? अपने आप से पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, आप ऐसे कितने महान नहीं है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हो बैठ के, लेकिन हमारा मन है जो इस बात के प्रति बहुत सेंसिटिव बना देता है। ये सब मणिपुर चक्र का खेल है, मणिपुर चक्र वीक है। स्ट्रोंग हो तो आप शेर की तरह अपने जीवन में, मैंने जो डिसीजन ले लिया ना ले लिया, मैं चल रहा हूँ, गलत या ठीक मेरा फैसला है, आई विल अबाइड बाई माई डिसीजन, मैंने जो सोच लिया फिर मैं वो करूंगा, वेरी सिंपल। तो एक्सट्रीम सेंसिटिव होना, अपमान कर दिया किसी ने, आप सोचते ही रहते हो हाय उसने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया, मणिपुर चक्र गड़बड़ है, सोचते रहते हो, तीन चार दिन दिमाग में बातें नहीं निकल के देती। क्या करना है, सिट्रिन पहनना है इसको ठीक करने के लिए, राइट, समझ में आ रहा है, सिट्रिन स्टोन या टाइगर आई, ये दोनों स्टोन आपके
मित्र हैं इस मामले में, हेल्पफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो इसकी हीलिंग करेंगे। ऐसे ही सूर्य देव का स्नान, सूर्य स्नान करना, सनशाइन में लेना, और 300 स्ट्रोक कपालभाति के, वेरी पावरफुल, दिन बताया भी था आपको, ये सिट्रीन है, सुनेला जिसे कहते हैं, और ये टाइगर आई है, ये दोनों स्टोन इसके लिए मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट पावरफुल है। जीवन में उमंग ले आता है, डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है, थकावट दूर कर देता है, कॉन्फिडेंस ले आता है, बच्चों को, शर्मीला बच्चे जो होते हैं ना, उनको पूरा उसका एटीट्यूड चेंज कर देता है, अपने दम पर चीना सिखा देता है। ये छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, ये एक सिंपल सा स्टोन सही ढंग से पहनने पर ये आपके जीवन में इतना चेंज ला सकता है, तो स्टोन की बात तो होनी चाहिए, राइट। कभी कभी मैं, जो लोग पूछते हैं ना कि आप ये फलाना स्टोन वहां पर ना अमेजोन पे इतने का मिल रहा है, मिल रहा होगा, जाके ले लो, आपको लेना है। मैं संजीव मलिक हूँ, मुझे भी पता है मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है, मैं 800 रुपए का दे रहा हूँ तुम्हें स्टोन, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसके पीछे क्या मेहनत की हुई है, ठीक है, तो मिलते ले लो, आई डोंट केयर, मुझे पता है कि मैं अगर दे रहा हूँ तो मेरे स्टोन की कीमत क्या है, मैंने जान लड़ाई है इसको यहाँ तक लाने में, इस नॉलेज को इसके अंदर, इसकी प्रोग्रामिंग करने में, इसको शुद्ध करने में, राइट, समझ में आ रहा है आपको। तो कीमत जो हम चार्ज करते हैं उसकी चार्ज करते हैं, आपको करना है ये, यहाँ से सीख रहे हो का मतलब मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज की कीमत ले रहे हो, ठीक है। मैंने बोला आपको कि ये चीज पड़ती है हमें सिर्फ 200-250 के आसपास में, थोड़ा रेट प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन बेचते कितने के हैं, लगभग 650 या 700 के, तो बेचेंगे क्यों ना, मेहनत है, हार्डवर्क है, कोई ऐसे एक एक स्टोन के ऊपर मेहनत की हुई होती है। अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रोग्रामिंग होती है, और सबसे बड़ी बात है उसकी प्रोग्रामिंग करना, और साथ में हम देखो, मैं हम क्या मानते हैं, मैं कहता हूँ मैं एक लाइफ कोच हूँ, साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगाओ बंदा ठीक होना चाहिए, ये एटीट्यूड ठीक है, समझ आ रहा है। एक कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, वो ये जान के थोड़ी आया कि आपको ये थेरेपी आती है कि नहीं थेरेपी आती है, ये है कि वो नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है जी मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कैसे भी करके ये प्रॉब्लम से समाधान दिलवाओ। कोई आया, मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम शर्मीला है, बात नहीं करता, डरता है बाहर निकलने से, आप ऐसा थोड़ी चलिए स्टोन ले जा बात सब ठीक हो जाएगी, ऑफकोर्स आप उसकी बात को सुनोगे, उसकी इस बात को समझोगे, कुछ सजेशंस दोगे, कुछ बात करोगे, हो सकता है बच्चे से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, बाकी चीजों से समझो, टीचर्स की बात सुनो, और फिर जाके फिर आप बोलोगे कि आपको स्टोन दिया जा रहा है, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, पहले आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे, बच्चे की थोड़ी सी अगर हो सके तो हिप्नोटाइज करके बच्चे के दिमाग से नेगेटिविटी निकालो पहले। इसीलिए मल्टीपल थेरेपीज काम आती है, जिसको हम बोलते हैं कि कॉग्निटिव थेरेपी या मल्टीपल थेरेपी या फिर होलिस्टिक थेरेपी। होलिस्टिक का मतलब है कि मैं ये नहीं सोच के बैठा हूं कि बस मुझे इतना ही आता है, मुझे सब कुछ जो मुझे जरूरत है, साम दाम दंड भेद मतलब यही होता है कि कुछ भी लगाओ लेकिन बंदे का आराम आना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यह आपकी भी समस्या है यहाँ पर, इसीलिए रुक रहा हूं यहाँ बोल रहा हूं। तो इस ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, टाइगर आई पेंडेंट के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ये बॉल भी होती है, ये जो स्टोन की फॉर्म में जो ऐसा होता है टंबल होता है ये भी होता है, ट्री फॉर्म में भी होता है, पेंसिल भी होती है, वट एवर ऐसा। तो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आई एम वर्दी ऑफ लव काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, कितने लोगों को लगता है कि आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और कितने लोग इस बात को एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, इस बात को एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करो, इस बात को बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करो। नहीं, मिलना तो चाहिए, लेकिन आपको ये लगता है कि आप वर्दी हो इस चीज के लिए। जब आप वर्दी हो तो अपनी बात को कहो भी सही, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। कई लोग पैर छूने की कोशिश करते हैं मेरी, ऐसे ऊपर से सर, अच्छा छूने है ना पैर, प्रॉपर छुओ फिर दू, तुम्हें भी तो पता लगे आशीर्वाद देने वाला कौन है, फिर प्रॉपर ढंग से पैर, दोनों पैरों को पे हाथ लगा के अपने मस्तक पे लगाओ, फिर दिखाओ, बताता हूँ तो मेरी भी पावर क्या है, पता तो लगना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई परिपूर्णा जी ऐसे दूर पे फोन पे कर देते हैं लोग परिपूर्णा, तुम्हारी परिपूर्णे को रखो अपने घर, बात करनी है तो फिर ढंग से करो,
अगर एक बार सर पे हाथ रख दिया तो पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, होना चाहिए ना, अपना आत्म सम्मान होना चाहिए कि भाई ठीक है, सम्मान तो मिल रहा है लेकिन सम्मान भी क्वालिटी के साथ। अपनी अचीवमेंट के ऊपर प्राउड फील करना, अपनी सक्सेस डायरी, छोटी छोटी अचीवमेंट को, तुमने ये वो किया, तुमने ये अचीव किया, उस रिश्ते को सुधार पाए, उस व्यक्ति से की ये प्रॉब्लम सोल्व करी, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया, जीवन में ये समस्या है तुमने ऐसे समाधान दिया था, उस समय में ऐसा था, बचपन में कितने इश्यूज आए तुमने कैसे कैसे रिजोल्व किए थे, वो सब आपकी सक्सेस डायरी है। आप भी अपनी सक्सेस डायरी लगाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो कि अपनी सक्सेस डायरी बनाए। कभी कभी जब आप बहुत डिप्रेस नेगेटिव टाइम आते हैं ना, तब मन बड़ा उदास होता है। पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव हो तो फिर क्या, फिर कौन बूस्ट करेगा आपको? कोई अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी उठ के आएंगे बोलने के लिए कि भाई मैं आपको बूस्ट कर दूं या आपके जीवन में। तो आपको खुद करना पड़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट आपको तब समझ में आएगा। आई ऑनर माई सेल्फ, आई चूज हेल्दी रिलेशनशिप, आई एम ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब समझ में आता है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, राइट? और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे जीवन का हिस्सा है, इंटीग्रेटेड। मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरे भाव है। ऐसा नहीं कि अनमने ढंग से बात कर तो रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, नहीं, वो नहीं। ऑथेंटिक, जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, ऑथेंटिक, राइट? आई फील माई ओन पावर, आई अप्रिशिएट माई स्ट्रेंथ। ये सबको जरूरत है, ऑल टेन, सभी 10 के 10 लोगों को इंक्लूडिंग मी, सबको जरूरत है ये। आई चूज द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, मुझे पता है कि मेरी च्वाइस क्या है। आई एम ऑथेंटिक, आई डायरेक्ट माई ओन लाइफ, दूसरा ऐरा गरा मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, राइट? अदरवाइज दूसरे कंट्रोल करेंगे। याद रखना, अगर आप अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल नहीं करोगे तो। अप्रिशिएट माई स्ट्रेंथ, अपने आप को जरा करना, आत्म सम्मान देना खुद को, समझ में आएगा। बात पल्ले पड़ रही है, राइट? तो आत्म सम्मान हाई दर्जे का है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करता हूं। इसको जिसका जिसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसी के अंदर ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। जो कभी इंफीरियर फील किया करता था, उसके पास जब पावर आ जाए ना, फिर वो दुरुपयोग करता है। एक चपड़ासी, एक पियोन, वो अगर उसका बॉस उसके प्रति राजी हो तो वो पियन भी कम नहीं है। किसी भी सरकारी महकमे में देख लो, कोई पियन भी अपने आप को किसी किंग से कम थोड़ी समझता है वो, राइट? तो वो दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्ति का, समझ आ रही है? शक्ति, क्योंकि उसके पास थी कभी पावर नहीं। एक तो मन ऐसे कैटेगरी का, लेकिन फिर वो पावर आ गई तो फिर उसका मिसयूज करता है। हर जगह पर यही हालत है। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली पावर में होगा ना, फिर मिसयूज करने की जरूरत नहीं, उसका यूज ही बड़ी बात है। जेन्युइनली पावर में होगा। उस दिन हमारे पास एक आईपीएस ऑफिसर से मिलने आए, इतने ग्राउंडेड पर्सन, मतलब इतने पर्सनल लेवल पर, मतलब उन्होंने इतना वीडियोस को देख के, कुछ मैंने वीडियो देखी और अप्रिशिएट किया। मैं मिलने चले आए, मतलब सोचिए, दिल्ली के आईपीएस हैं वो, दिल्ली के वेस्टर्न जोन के, तो घर पे बड़े प्यार से। तो ग्राउंड, इसका मतलब क्या है कि जिसके पास वास्तव में आत्म सम्मान है ना, वास्तव में आत्म सम्मान है, वो बिल्कुल ग्राउंडेड रहेगा। नहीं होगा तो वो दिखावा बहुत करेगा, नहीं तो मुझे बुला लेते, राइट? इसके उनके पास इतनी पावर है, सीधा कह के बुला सकते थे, बट व्हाई ही डिडंट से दैट। आप जहां कहोगे मैं आऊंगा। बात सिर्फ ये है कि शक्ति, एक पीएन की पावर और एक आईपीएस ऑफिसर की, दोनों की बता, दोनों की सोच में फर्क क्या है। वो अपने आप को इतना होते हुए भी ये समझता है, और ये वो होते हुए अपने आप को बराबरी पर समझते हैं। तो बात ये है कि शक्ति की उपयोग की बात है। मैं उपयुक्त हूँ और शक्तिशाली हूँ, मैं सत्ता संघर्ष से मुक्त हूँ। जो लोग नहीं होंगे ना, जिसके अंदर पावर नहीं होगी, वो सत्ता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अपने फैसले मैं आसानी से ले सकता हूँ, आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक हूँ। फिर आता है अनाहत चक्र। दूसरों को स्वीकार करता है, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, दयालुता, क्षमा भाव, यह है रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला। आप दूसरों को कैसे प्यार देते हो, सम्मान देते हो, मेंटेन करते हो, तो आपका अनाहत चक्र ठीक है। ये ठीक नहीं है। यहाँ पर लगभग सबका तो नहीं, लेकिन 50% लोगों का गड़बड़ है। क्षमा भाव नहीं,
पूरी तरह से भुला नहीं पाते, चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं, माफ कर भी देते हैं भुला नहीं पाते, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? माफ भी कर देंगे, दिमाग से कह भी देंगे चलो ठीक है बदला तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बात दिमाग से जाती नहीं है, वो वही दिमाग में घूमती रहती है बार बार। क्या गड़बड़ है? मणिपुर और हृदय दोनों गड़बड़ है। मणिपुर आत्म सम्मान पे नहीं आता और हृदय गड़बड़ होने के कारण दूसरे को एज इट इज एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसको इसने ऐसा किया तो किया क्यों, और मेरे साथ ही क्यों किया? मन वहीं पकड़ के बैठा रहता है ऐसा जैसे क्यों किया। अच्छा चलो मैं तो माफ कर दूंगा, कुदरत माफ नहीं करेगी। ये क्या करते हैं लोग, ये सजा देने का दूसरा ढंग है, ये सजा देने का दूसरा ढंग है। इसका मतलब वापस माफ किया नहीं है आपने, लेकिन फिर भी चलो ऊपर से दिखावा करने में क्या दिक्कत है, मन कहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि उसको ये तो समझ में आ चुका है कर्मों के कारण की भी सजा तो बहुत बुरी मिलती है, तो अगर मैं बोलूंगा तो फिर इसका मतलब सजा भी मिलेगी, एक नया कार्मिक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, माफ नहीं होता वो। तो माफ करने के लिए हृदय चक्र का जागृत होना जरूरी है, ठीक है? समझ में आ रहा है? बड़ी बात है ये, समझ लेना। तो इसके कारण हार्ट फिजिकल लेवल पर क्या होता है, फिजिकल लेवल पर हार्ट डिजीज होती है, अस्थमा, लंग या ब्रेस्ट कैंसर, थोरैसिक स्पाइन, न्यूमोनिया, यानी चेस्ट ब्लॉकेज होना, चेस्ट में ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज, या पीठ के पिछले हिस्से में दर्द रहना, ये सब बातें जुड़ी हुई हैं आपस में, राइट? एंजाइना पेन हो रहा है, जो नसें अंदर जा रही हैं हार्ट से रिलेटेड, उसके अंदर कोई ना कोई पेन हो रहा है, अपर बैक में प्रॉब्लम हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, शोल्डर में इश्यूज हो रहा है, तो वो सब जुड़ा हुआ है इसमें, हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। और दूसरों का प्रेम भी स्वीकार नहीं करता होता, कोई दूसरा ज्यादा प्रेमपूर्ण आपके प्रति हो दिखाए कैसा, तो मन में डाउट होता है क्या बात है आज बड़ा प्यार आ रहा है इसको, कुछ तो गड़बड़ है, भरोसा नहीं होता लोगों के ऊपर कि कुछ तो गड़बड़ है, अगर ये ज्यादा प्यार दिखा रहा है तो कोई ना कोई पर्पज होगा, पीछे मकसद होगा इसका, ये चालू आदमी है। तो इस टाइप से लोग मन में आता है, अपने आप को हम फील नहीं करते कि हम वर्दी ऑफ लव है, परमात्मा की ब्लेसिंग आ रही है, ध्यान में कृपा प्राप्त हो रही है परमात्मा की, तब भी लगता है कि मेरे अंदर तो वर्थ है ही नहीं। तो ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंटिमेंटल होना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और जल्दी माफी कर देते हैं, तो मूडी बोलते हैं ना जिसको, मूडी, कभी इधर और कभी उधर, ऐसे ये सबकी यही हालत है। बहुत कम लोग हैं जो अपने उस चीज को कंट्रोल कर पाए हैं, इसके ऊपर उठ पाए हैं, और इसी कारण से कहीं ना कहीं किसी बात पर विश्वास भी जल्दी हो जाता है और नफरत भी बड़ी जल्दी हो जाती है किसी भी बात पर। फलाना ना फलाने के बारे में ये बोल रहा था, अच्छा आपने मान भी लिया, ऐसे नहीं। और किसी चीज के बारे में जल्दी विश्वास कर लिया, किसी ने कुछ भी बोला ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने मान लिया। जो लोग किसी साइकोलॉजी में ये सिखाया जाता है कि जो लोग एड्स पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं ना, वो बहुत ही छोटे दर्जे का उनका दिमाग होता है, या उनका हृदय चक्र डैमेज होता है, एड्स पर भरोसा कर लेते हैं। वो फलानी एक्ट्रेस है ना, वो ये बोल रही है, वो ये वाला सोप इस्तेमाल करती है, उसने देखा भी नहीं होगा कभी जिंदगी में ये वाला सोप, और तुम उसी चीज को पीछे पड़े हो और पागल हो रहे हो, है कुछ भी नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। आप देखो आजकल की जनरेशन कितनी पागल है उस चीज के में, फलाने ने ये वाला ये था, फलाना हीरो ये करता है, वो क्या होता है, इसीलिए तो इनकी फोटो लगाई जाती है इनके साथ, क्या मतलब हुआ इसका, समझ में आ रहा है? और जो लोग इन बात पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा इसके साथ खड़ा है तो जरूर ये जो अक्षय कुमार है ये डेफिनेटली ये फलाना वाला पान मसाला खाता होगा, इसलिए मैं खा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है भाई, कोई सोच के देखो कितना धोखा है, कितनी बड़ी चीटिंग होती है, और लोग मान भी लेते हैं, लोग मान भी लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, राइट? अजय देवगन वो पान मसाला का लेके वो कर रहा है, हमें लगता है अभी खा ले, व्हाट द हेल, कुछ पूछने वाला हो कि भाई क्या पागल हो तुम, किसी भी अरे गहरे के ऊपर इतना विश्वास क्यों कर लेते हो? अगर करना ही था, इतना ही करना था तो शास्त्रों पर विश्वास करो, परमात्मा पे करो, अपने किसी कल्याण मित्र पे विश्वास करो, अगर करना ही है, इतना ही तुम मूडी हो, इतना ही तुम ऐसा करना चाहते हो, करो फिर ढंग से करो। ये हो गया तो क्या करें, खुद को समय दें, खुद के साथ बातचीत करें, खुद को मोटिवेट करें, दूसरों को मोटिवेट करें, और किसी से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, लोगों से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, प्रेम दें,
इसमें लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोगों को ये लगता है कि कोई मुझसे प्रेम, मुझे कोई कोई मुझे प्यार ही नहीं देता, कोई मुझे प्रेम ही नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं। आप अपने आप को कितना समझते हो जो कोई और आपको समझे? लोग अपने आप को नहीं समझते, आप अपने आप को नहीं समझते हो, फिर आप ये कंप्लेंट करते हो कोई मुझे समझता नहीं। कोई नहीं समझेगा आपको, आप इतनी यूनिक चीज हो कि आपको कोई क्यों समझ पाएगा? आप खुद को अपने आप को कितना समझ पाए हो आज तक? कोई क्यों आपको कोई समझेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आपको लगता है कि आप अपने आप को समझते हो? कितना लगता है आपको, कितने परसेंट लगता है कि आप अपने आप को समझते हो? हाँ जी सर, अभी तो लगने लगा है इतनी सारी क्लासेस करने के बाद कि हाँ समझने लगे हैं। तो क्या हो आप बताओ सर, मतलब क्या हो? लगने लगा है कि वो पर्पस की तरफ। अब तो जब ये मैच्योरिटी आ जाए तो समझ लेना जीवन कुछ बदल रहा है, वरना किसी टाइम में बहुत परवाह होती थी, हाय यार बंदा नाराज हो गया, हाय हाय पता नहीं क्या सोचता होगा, बस ऐसे व्यर्थ की बातें सोचते रहना, बंदा कितना कितना कि वो उसके मन में पता नहीं क्या आता होगा, ऐसा वैसा। मुझे उसके अपने साथ, अपने आप को ना उसके हिसाब से ढाल लेना चाहिए। व्हाई द हेल, क्यों क्यों ढालू मैं अपने आप को सबके हिसाब से, क्यों ढालू क्यों, और मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं हर जगह पर? ठीक है मेरा माइंड फ्लेक्सिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आदर्शों के साथ समझौता कर लूं। बात समझ में आ रही है? अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं करना, बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं, अपने एथिक्स के साथ समझौता कर लेते हैं, जैसा सब कहते हैं उनके हिसाब से। और लेडीज को थोड़ा सा ये ज्यादा दिक्कत पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर में रह रही होती है, तो उनके घर में दूसरे के घर को में अडप्ट, अपने आप को एक जगह बनाते 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 लंबा समय बीत जाता है, और फिर भी लगता है कहीं ना कहीं कि अभी भी आपको अपनी जगह बनानी बाकी है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके जीवन में डबल संघर्ष होता है, ये सच में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं जानता हूँ कि और उनकी प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि वो सबमिसिव हो जाएं, मतलब दूसरों के सामने झुक जाएं, इसीलिए जो बहुत झुकी रहती है उनका गुजारा चलता रहता है। दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई एम आस्किंग फॉर। अपने आप को ट्रू पोटेंशियल पर लेकर जाना, एक लेडी मतलब एक अपने आप को ये मान ले कि मेरे अंदर मैं अविराट शक्ति है, वो जो दुर्गा पावर है मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाए, तो फिर हम उस लेवल पर अपने आप को पहुंच के खुद को जान के फिर अगर हम संसार के साथ एक पॉजिटिव वे में बिहेव करते हैं फिर वो बात जेन्युइन है, अदरवाइज वो सिर्फ सप्रेशन है। ठीक है, खुद को समझने के बाद हम अपने आप को अगर सबमिसिव भी हो जाते हैं कोई बात नहीं, फिर तो बात जेन्युइन है, लेकिन अदरवाइज नहीं। समय से समझ में आता है, हम दूसरे की बात को मानने शुरू कर देते हैं। एक संत भी दूसरों की बात को मानने लग जाते हैं, लेकिन उनका इतना ऊंचा दर्जा होता है कि वो बहुत बिल्कुल हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंच चुके होते हैं, फिर वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है, जो तुझे लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, उस लेवल पर आ जाते हैं समर्पण भाव में, फिर वो डिफरेंट होता है। अभी क्या होता है, हम अपने इमोशंस को दबा दबा के समर्पित हुए होते हैं जबरदस्ती। समझ आ रही है वाली बात? जी सर। तो हाईएस्ट पोटेंशियल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, विच इज दिस क्राउन चक्र। समझ में आ रहा है? सर जैसे जैसे चक्र डेवलप होते हैं ये चीजें डेप्थ में समझ में आती हैं, कि मतलब पहले जो सोच थी वो बहुत ऊपरी लेवल से थी किसी के बारे में चाहे अपने बारे में, और जब डेप्थ बढ़ती है तो वो सोच डीप होती चली जाती है और दूसरे से नफरत भी कम होती चली जाती है। राइट right. बिना बिना इसके ये डेवलप नहीं हो सकता, बिना इसके भी राइट। चलिए तो यहाँ से हम पहुंच गए। सर इसके ऊपर एक ये डाउट था कि जैसे अलग अलग स्टोन है घर पे अपन